मसीही संदेश की सामर्थ्य, महिमा और आशा यीशु का पुनरुत्थान ही है। और हालांकि बहुत से लोग इसकी उपेक्षा भी करते हैं, फिर भी जब तक कि कोई पूरी तरह से अनजान ना हो, इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकता। यह संसार के इतिहास का केंद्र है। इसने सारी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया है। वास्तव में यही वो संदेश है जिसे मसीही लोग दुनिया को दे रहे हैं और उन्हें देना भी चाहिए। यीशु मृतकों में से जी उठा, और जब हमारा प्रतिनिधि जी उठा तो हम भी जी उठेंगे और अनंत और महिमामय स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यह समस्त मनुष्य जाति के सिर पर मंडराते उस मृत्यु के भयंकर श्राप का बहुत ही शक्तिशाली और एकमात्र उत्तर है। इसके अतिरिक्त सारे संसार में कहीं भी मृत्यु पर कोई और विजय और कोई और आशा नहीं है। पुनरुत्थान की प्रभात। सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन उजाला होते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने कब्र का पत्थर लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र बर्फ के समान चमकदार सफेद था। उसे देख के पहरेदार डर से कांप उठे और मरे हुओं के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। वो यहां नहीं है, लेकिन जैसा उसने कहा था वह जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां उसे रखा गया था, और अब जल्दी से जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जा रहा है, वहां तुम उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। लेकिन स्त्रियां डरी हुई थीं और धरती की ओर मुंह झुकाई हुई थीं। तो उसने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? वो यहां नहीं है, लेकिन जी उठा है। याद करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उनको उसकी बातें याद हो आईं। यीशु स्त्रियों को दर्शन देता है। वे स्त्रियां भय और आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। तभी यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, ताकि वे मुझसे वहां मिल सके। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 चेलों को और सबको ये सब बातें कह सुनाई। लेकिन उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनका विश्वास न किया। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और कब्र के अंदर झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो कुछ हुआ था उस पर अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। पहरेदार और यहूदी याजक। वे जा ही रही थीं कि पहरेदारों में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से कह सुना है। तब उन्होंने धार्मिक नेताओं के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत सी चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात राज्यपाल के कानों तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। इसलिए उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। इम्माऊस के मार्ग पर।
उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और सोच विचार कर रहे थे तो यीशु पास आकर उनके साथ साथ चलने लगा, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वे उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में कर रहे हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में यहां क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के सामने कर्म से और वचन से सामर्थी भविष्यवक्ता था, उसे मुख्य याजकों और हमारे सरदारों ने पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है जिन्होंने बताया कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे अज्ञानियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने बारे में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई थी? उसी घड़ी वे उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 चेलों और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। उन्होंने कहा, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। यीशु का अपने शिष्यों पर प्रकट होना। जब वे ये बातें बता ही रहे थे तो यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। तब आनंद के मारे उनको विश्वास ना हुआ और वे आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने उसे लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं
और भजनों की पुस्तकों में मेरे बारे में लिखी हैं सब पूरी हों। सारे संसार में जाओ। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। 12 चेलों में से एक अर्थात थोमा जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसने उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु का स्वर्ग पर उठा लिया जाना। यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। फिर उनके देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी तरह से वह फिर आएगा जिस तरह से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा है। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये सब जो लिखे गए हैं इसलिए कि तुम विश्वास करो
कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ।